दुनिया भर में राजौरी के अंदर मनाया जाने वाला होली का त्यौहार काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, जिसकी वजह यहाँ हर साल होली से ठीक पहले मुनक्किद की जाने वाली भैरव देव की झांकी है। गौरतलब है कि राजौरी कस्बा के अंदर होली त्यौहार से ठीक तकरीबन एक हफ्ता से 10 रोज़ कबल भैरव देव की झांकी को निकाला जाता है, जो बदस्तूर जारी रहती है और होली के त्यौहार के दिन ये कामयाबी के साथ ख़त्म की जाती है। भैरव देव की ये झांकी राजौरी कस्बा के जवाहर नगर व राजौरी शहर में निकाली जाती है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग हिस्सा लेते हैं। वहीं इस साल होली के त्यौहार से ठीक पहले आगामी कल यानी कि सोमवार से राजौरी शहर में भैरव देव की ये झांकी शुरू होने जा रही है। सिलसिलावार तरीका से मुनक्किद की जाने वाली भैरव देव की इस झांकी की शुरुआत आगामी कल यानी कि सोमवार के दिन जवाहर नगर में होगी, जहां हजारों की तादाद में लोग भैरव देव की इस झांकी का हिस्सा बनेंगे। और इस मौका पर सरकारी अमले की तरफ से भी हिफाजत के चाक चौबंद इंतजाम किए जाने के मकसद से सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है। बीते कल ही जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भैरव झांकी कमेटीज के अहदेदारान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिस दौरान भैरव देव की झांकी में तमाम तर तैयारियों पर बात हुई, जिसमें खास तौर पर हिफाजती इंतजाम शामिल थे। एक प्रेस बयान में एसएसपी राजौरी मोहम्मद असलम ने बताया कि राजौरी कस्बा के अंदर भैरव देव की झांकी को पूरी तरह से पुरअमन माहौल में मुनक्किद किए जाने के मकसद से चाक चौबंद हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं, और इस चीज़ को यकीनन बनाया जाएगा कि भैरव देव की ये झांकी पुरअमन माहौल के बीच हर साल की तरह मुनक्किद हो पाए। दूसरी ओर भैरव देव झांकी कमेटी जवाहर नगर की तरफ से तमाम तर लोगों से अपील की गई है कि वो आगामी कल यानी कि सोमवार के दिन तकरीबन 2 बजे के आसपास जवाहर नगर पहुंचकर भैरव देव की इस झांकी का हिस्सा बने। Thank you.
ठीक है।